हेलो मेरे सारे सब्सक्राइबर, स्वागत है आपका नन्हे सबके चैनल पे। आज मैं आलू की लिट्टी बनाने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आलू की लिट्टी की रेसिपी। तो इसके लिए आटा लीजिए और इस आटे में के बीच में गधा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, बस खाने का तेल होना चाहिए। वैसे ये फ्रूट में डालने वाला तेल है, पर मैंने इसमें सरसों तेल भरा हुआ है, वो ख़त्म हो गया था। कोई भी तेल, बस खाने का होना चाहिए। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं तेल। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। वैसे मिक्स करने में मुझे थोड़ी देरी होगी, वैसे मिक्स अब मैंने कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसका मैंने परफेक्ट डो तैयार कर लिया है। अब मैंने कुछ आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर और नमक डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये मिक्स हो रहा है। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि मैं ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं ही बना रहा हूँ, इसीलिए मैं सारे स्टेप नहीं दिखा पा। अब हम एक टुकड़ा आटा लेंगे और इसे हमने बेल लिया है। अब इसके बीच में हम रखेंगे आलू की स्टफिंग। अपने अपने अनुसार डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे बंद कर लिया है। अब हम इसे तलने के लिए डालेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस ऑन कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये आलू टी, तो वो तो बाद में दिखाऊंगा, पहले ये अब बाकी के बनाते हैं। अब इस आलू में हम डालेंगे थोड़े से सत्तू। अब चाहे तो आलू में प्याज सत्तू दोनों डाल सकते हैं, मैं सिर्फ सत्तू डाल रहा हूँ। चाहे तो आलू में सत्तू और प्याज बिना डाले ही बना सकते हैं। एक मैंने वो वाला बनाया, ऐसे ही मैंने बनाया था वो वाला। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब सारे आलू टी बना के दिखाता हूँ, पहले ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर बनेगा आलू टी। जब मैं मास्टर शेफ में जाऊंगा तब मैं ये डिश बनाऊंगा। और जिन लोगों को नहीं पता कि मास्टर शेफ क्या होता है, तो आप उन लोगों के लिए बता दूं कि मास्टर शेफ होता है कुकिंग क्लास, जहां बहुत मेहनती कुकिंग की जाती है 15 मिनट में एक डिश, और टेस्टी डिश वरना गेम फिनिश्ड। मुझे तो देख के ही हालत ख़राब हो जाती है। अभी आपको एक बना के दिखाता हूँ। अब इसे कटोरा बना के डालेंगे, थोड़ा कम कर देता हूँ। अब इसे बंद कर देंगे। मोमो की तरह गोल बना रहा हूँ, पर मोमो नहीं बना रहे हैं। तो इसके अगर आप इसे देखिएगा ध्यान से, कहीं इसके कॉर्नर्स खुले ना रह जाए, नहीं तो सीखते वक्त
सारा तेल खलास हो जाएगा। और ये तेल गलने के लिए रखा था, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस वाली को हम तलते हैं। इस तरह से हम सारे आलू की लिट्टी बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए बन गए। इसके ऊपर मैंने कुछ तेल में तली हुई मिर्च भी डाल दी है, बेहतर दिख रहा है ना। ये इतने आटे में हमारे 10 आलू की बन के तैयार हुए हैं। वैसे यहाँ तो दिखने लगा है ना, और एक छिटकू सा वो बात ये है ना कि एक मेरा भाई खा गया जानंद, 1 साल का है। तो मिलता हूँ एक अगली रेसिपी अगले चैलेंज के साथ। और हाँ, आप इसे चाय या सॉस के साथ खा सकते हैं। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलता हूँ एक अगली रेसिपी अगले चैलेंज अगले दर्शन के साथ अगली डिश के साथ। तब तक के लिए बाय। मैं शेयर कर लेता हूँ।